Yeah, connect. So we'll be needing internet for the, obviously online students are on internet. So we'll be needing internet for the first few minutes of the classes where we'll download our studio. ठीक है, आई ऑलरेडी हैव इट डाउनलोडेड ऑन माई लैपटॉप. तो मैं जो जो स्टेप्स आप लोगों को दिखाऊंगी, यू हैव टू जस्ट फॉलो दो स्टेप्स. ऑल राइट, फाइन. सो वी हैव टू डाउनलोड टू थिंग्स. पहला हमें करना होता है आर जी यू आई, विच इज द बेसिक आर, एंड देन वी नीड टू डाउनलोड आर स्टूडियो. ठीक है, सो वील बी वर्किंग ऑन आर स्टूडियो इट सेल्फ, विच इज द इंटरफेस. बट उसके लिए हमें बैक एंड भी डाउनलोड करना होता है. सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन. ठीक है, किसी भी मोमेंट कोई भी डाउट है प्लीज बोल देना मुझे. अब क्या है ना कि आर के अलग अलग वर्जन होते हैं. लाइक एवरी 6 मंथ्स वी हैव अ न्यू वर्जन फॉर आर, एवरी फ्यू मंथ्स, नॉट इवन 6 मंथ्स. तो नया वर्जन मेरा थोड़ा पुराना हो सकता है, आपका कुछ अलग होगा. सो डजेंट मैटर, जिनका ऑलरेडी डाउनलोडेड है आपका कुछ और वर्जन होगा, डजेंट मैटर मच. ठीक है, चलता है उतना. तो वी विल स्टार्ट, पहले लिखना आर जी यू आई डाउनलोड. खाली ऐसे लिखो. वाईफाई नहीं कनेक्टेड है. अच्छा, आप लोगों ने सबने इसे कनेक्ट कर लिया ना. वन सेकेंड. आर जी यू आई डाउनलोड. ठीक है, जी यू आई इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस. वैसे जी यू आई हम नहीं बोलते, जी यू आई हम स्टूडियो को बोलते हैं. बट ठीक है, यू कैड हैव जस्ट रिटन आर डाउनलोड. सबका जिनका विंडोज है, फॉर विंडोज, जिनका मैक है वो मैक पे क्लिक कर सकते हैं. बट डजेंट मैटर, खाली आपको आर डाउनलोड लिखना है. आर डाउनलोड लिखने के बाद देखना, फर्स्ट जो आपका सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, डाउनलोड आर 4.3.1 फॉर विंडोज. आ रहा है ये सबका? जिनका मैक है दे कैन ऑल्सो ओपन दिस फॉर टाइम बींग. आई थिंक मैक का नीचे नहीं. सो फॉर मैक यूजर्स यू हैव टू राइट फॉर मैक. हाउ मेनी मैक यूजर्स आर योर? जस्ट रेज योर हैंड्स क्विकली. यहाँ कोई है क्लास में? तुम और यहाँ पे बाकी कोई मैक यूज? आर्या, ओके. सो यू जस्ट हैव टू राइट मैक. तो आपका आर फॉर एम मैक ओएस आ जाएगा. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड फॉलो द सेम प्रोसेस. आई विल बी शोइंग इट फॉर विंडोज. ठीक है, क्रैन, ये जो क्रैन लिखा हुआ है ना, ये वाला कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क होता है. सो दिस इज अ नेटवर्क वेयर इन वी हैव लाइक ऑल द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हु आर यूजिंग आर प्रोग्रामिंग. दे पुट इन देयर वर्क, दे पुट इन देयर पैकेजेस, लाइब्रेरी फंक्शंस, लाइब्रेरीज. हम लोग देखेंगे कि हमें डायरेक्टली उतना यूज नहीं आएगा इन सी एस वन स्पेसिफिकली. सी एस टू में वी यूज आर प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारे पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज. सो स्टिल वील यूज देयर अलॉट, बट इन सी एस वन हमें ज्यादा काम नहीं आता. बट क्रैन इज अ नेटवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क. सो इट्स अ नेटवर्क वेर इन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड जो अपना वर्क जो डेवलप करते हैं, डेवलपर्स जो अपना नया पैकेजेस बनाते हैं, कुछ टूल्स बनाते हैं, वो इसमें डालते हैं. ठीक है, एंड इट्स ओपन फॉर ऑल. आर इज अ ओपन सोर्स. हम इजिली यहाँ पे वी कैन डाउनलोड. एज वी कैन सी वी जस्ट नीड इंटरनेट, वी डोंट हैव टू पे फॉर इट. ठीक है, सो यू विल क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक विच इज डाउनलोड आर. जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देखो आपका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होगा. डॉट ई एक्स ई मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगा. करो क्विकली. हो रहे डाउनलोड? डाउनलोड हो रहे? ठीक है, सो नाउ वंस इट्स डाउनलोडेड इसको ओपन कर लेते हैं. कर लो सब लोग डाउनलोड आराम से. कहीं भी डाउट है जस्ट क्विकली रेज योर हैंड. इसका टेम्परेचर थोड़ा वो कर दो ना.
जस्ट मेक इट 22। व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन व्हिच यू हैव डाउनलोडेड, वेट, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। अब शायद विजिबल होगा। ठीक है, सो वी हैव डाउनलोडेड, जस्ट क्लिक ऑन इट। आप लोगों को शायद ये स्क्रीन नहीं दिख रहा हो, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बिकॉज आई थिंक ये शेयर नहीं हो रहा, बट जब आप उस पर क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन होगा, एंड दैट विंडो सेज डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। क्या वो आ रहा है सबके में? आ रहा है राइट? यस दीपाली, आ रहा है ना? हाँ करो, डाउनलोड करो, आई विल वेट। ये आ रहा है, यू हैव टू क्लिक ऑन यस। ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन यस। हाँ करो, ठीक है, आई विल वेट। यस कृतिका, मैम मेरा डायरेक्ट कुछ सेव एज करके एक वो खुल गया है, मतलब एक टैब खुल गया है जिसमें लाइक डेस्कटॉप पे सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, उसको सेव कर दो। ठीक है, मतलब आप लोगों का ये फाइल डाउनलोड हुआ होगा, दिस फाइल, ऐसा एक फाइल डाउनलोड हुआ होगा। है ना, ये वाला फाइल डाउनलोड हुआ है ना सबका? कहाँ पीछे जा रहे हैं? ये खाली है ना? तुम लोग भी अभी आगे आओगे, टेंशन मत लो। दिस इज द फर्स्ट क्लास ओनली मंजरी, ये फर्स्ट क्लास ही है, सबका फर्स्ट क्लास है, खाली आपका नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, फिट इज शोइंग 4.3.0, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला ना, वो थोड़े बहुत वर्जन ऊपर नीचे चलते हैं। ठीक है, नाउ आई विल डबल क्लिक ऑन दिस। आपकी में आई थिंक ये प्रेजेंट नहीं हो रहा है स्क्रीन पे, सो यू आर गेटिंग अ विंडो जहाँ पे इट इज सेइंग डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो आपको येस पे क्लिक करना है, एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन येस, ये आपका ये वाला विंडो आ जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग टिल हियर? तुम एक काम, ए तुम आ गए हो, इसको सिखाओ, इसको बताओ कैसे होगा। कर लिया, तुम देख लिया फर्स्ट क्लास, बैठो। तो तुम क्यों आए फिर? नो नो रिकॉर्डिंग्स, दिस इज द फर्स्ट क्लास, नो रिकॉर्डिंग्स यू हैव टू सी। मैं एकदम डाउनलोड करना सिखा रही हूँ आप लोगों को। सबका फर्स्ट क्लास है, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं देखना, मैं डाउनलोड करना सिखा रही हूँ फ्रॉम स्क्रैच। आर प्रोग्रामिंग से हम स्टार्ट करें, पेपर बी इज आर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो नाउ आई विल जस्ट क्विकली मूव अहेड। यहाँ पे ओके पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद, लेट मी जस्ट, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। एक बार देख लो, फिर आप लोग कर सकते हो। अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, जो भी आए बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना। एंड यहाँ पे इस वाले में प्लीज स्पेसिफाई येस और नो, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन नो, एक्सेप्ट द डिफॉल्ट सेटिंग्स। अगेन यू हैव टू, जो भी क्लिक्ड है नो पे क्लिक्ड है, वी विल जस्ट लीव इट एज इट इज,
नेक्स्ट पे क्लिक करो, अगेन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, कुछ भी चेंज नहीं करना एंड दैट्स इट, अपने आप ये इंस्टॉल हो जाएगा अब। ठीक है, करो। ऑल राइट, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 एंड वो अपने आप पूरा इट विल गेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड। सो क्लिक फिनिश टू एग्जिट द सेटअप। दिस इज द लास्ट विंडो। हाँ, किसी ने कुछ बोला? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। नो, आई डोंट नो बाकी सबको सुन रहे कि नहीं, बहुत धीरे आ रहे आवाज। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैम, ये स्टार्टअप ऑप्शन में पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कस्टमाइज स्टार्टअप ऑप्शंस नो प्लीज। नो ना, नो, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। द मोमेंट यू क्लिक ऑन फिनिश, आपका सेटअप कंप्लीट हो गया, इंस्टॉल हो गया आपका आर आपके लैपटॉप्स में। वंस इट इज डन, क्विकली राइट अ येस इन द चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। यहाँ पे कितने लोगों का हो गया? सबका हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। सो नाउ हाउ टू चेक वेदर वी हैव आर प्रोग्रामिंग इंस्टॉल्ड और नॉट, सर्च बार में जस्ट क्लिक ऑन आर। आर जी यू आई भी लिख सकते हो, जैसे ही लिखोगे वैसे ही दिखना। एक्चुअली मैंने वापस इंस्टॉल कर लिया, मेरे में दो वर्जन है, ये मेरा पुराना वाला वर्जन है और ये अभी जो हमने अभी डाउनलोड करा। आर खाली लिखने से नहीं आएगा, आर जी यू आई ऐसे करके लिखोगे तो अपने आप ये वाला आपको वर्जन दिखेगा। दिख रहा है? पुराना वाला अनइंस्टॉल कर देती हूँ, छोड़ो बाद में। दिख रहा है ये वाला वर्जन जो जो हमने अभी इंस्टॉल करा? जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड दिस इज हाउ योर आर जी यू आई लुक्स लाइक। इस पे वर्क नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत ही सैड सा इंटरफेस है, हम लोग बेटर इंटरफेस पे वर्क करेंगे। बट दिस इज वॉट बेसिक आर जी यू आई ग्राफिक यूजर इंटरफेस लुक्स लाइक। डन, सब लोग यहां तक पहुंच गए? It's not showing. It's I have downloaded it, but it's not showing. यू हैव टू टाइप यहाँ पे सर्च में जाके आर जी यू आई। Yes, डिड यू I फॉलो searched द स्टेप्स that. नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो Yes, हमने किया? yes, yes, फिनिश yes. आया सेटअप, Yes. देन इट इज देयर। अच्छे से देखो, जस्ट गो स्लो, जस्ट टाइप आर जी यू, अपने आप आ जाएगा। सबका आया ना इधर? आपका आएगा, जस्ट अच्छे से करो। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बहुत हड़बड़ करते हो। आर जी जी टाइप करो तब भी आ जाएगा। स्पेस ये सब नहीं देना होगा, कुछ नहीं करना होगा, जस्ट आर जी करो आ जाएगा। यस मैम, डोंट वरी, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग अ न्यू सॉफ्टवेयर, जस्ट बी वेरी स्लो। कुछ भी अगर गलत, कुछ गलत नहीं हो सकता। ठीक है, इज इट ओपनिंग? तो ये दिस एरिया विच यू ऑल सी ओवर हियर, दिस इज अ कंसोल। व्हाट्स अ कंसोल? अ कंसोल इज बेसिकली वेयर वी विल राइट द कोड एंड वी विल ऑल्सो गेट द आंसर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डू यू सी दिस ग्रेटर देन साइन? डू यू ऑल सी दिस ग्रेटर देन साइन? सो दिस ग्रेटर देन साइन इज अ प्रॉम्प्ट, इज अ कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ पे वील गिव आर कमांड्स और वील गिव आर क्वेरीज। ठीक है, कोड्स जिसको हम बोलते हैं। सो लेट्स राइट अ वेरी सिंपल क्वेरी, 2 + 3। वेरी सिंपल क्वेरी, 2 + 3 एंड क्लिक ऑन एंटर। एग्जीक्यूट ऐसे होता है, जस्ट क्लिक ऑन एंटर। द मोमेंट यू क्लिक ऑन एंटर यू सी इट हैज गिवन यू द आंसर एज 5। 5 के पहले क्या है? एक 1 है,
वो क्यों है, वील सी इट लेटर, दिस इज नोन एज इंडेक्सेशन, वील सी इट लेटर कि ये वन क्यों आ रहा है. फाइन, गेटिंग द आंसर. सिमिलरली वी कैन डू 2 - 5, मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं, डिविजन के लिए वी गिव अ दिस स्लैश, ठीक है, एंड टू दी पावर के लिए हम ये वाला टू दी पावर वाला साइन देते हैं, ठीक है. सो एनीथिंग, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है. सो यहां तक हो गया हमारा, ये हमारा कंसोल है जहां पे वी आर ऑल्सो गेटिंग द आउटपुट एंड वी आर ऑल्सो गिविंग द इनपुट. देर इज समथिंग कॉल्ड एज आर स्क्रिप्ट. आर स्क्रिप्ट कहाँ से मिलता है? फाइल पे जाओ, गो टू फाइल. मंजरी, इंस्टॉल हो गया, मतलब खुल गया तुम्हारा? यस मैम. क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन न्यू स्क्रिप्ट. आपको घबराना नहीं है, इट्स फाइन, आपको स्लो स्लो जाना है, घबराओ मत. न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करो, दिस इज लाइक द इजीएस्ट थिंग यू विल लर्न. तो ये जो नया विंडो खुल रहा है ना हमारा, दिस इज नोन एज अ आर स्क्रिप्ट. मतलब यहाँ पे वी राइट आर कोड्स एंड वी कैन सेव आर कोड्स, बिकॉज वट एवर यू राइट इन द कंसोल यू कैनॉट सेव इट फॉर योर फ्यूचर पर्पसेस. इफ यू वॉन्ट टू सेव इट यू हैव टू राइट इट इन आर स्क्रिप्ट, ठीक है. तो यहाँ पे लेट्स सपोज आई हैव रिटन 3 + 5. अब यहाँ पे इफ यू क्लिक ऑन एंटर, उससे कुछ नहीं होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल एंटर. एक सेकेंड. एक सेकेंड. अच्छा नहीं, सॉरी. कंट्रोल आर पे क्लिक करना होता है, कंट्रोल एंटर हम आर स्टूडियो में करते हैं. कंट्रोल आर इज फॉर रन, ठीक है. कंट्रोल प्लस आर, डन आया. अब क्या हो रहा है, यू आर टाइपिंग 3 + 5 यहां पे, बट कैन यू सी इन द कंसोल वी आर गेटिंग 3 + 5 अगेन एंड अगेन वी आर गेटिंग द आउटपुट. सो बेसिकली आर स्क्रिप्ट में वी जस्ट राइट द कोड्स. Our script is only for writing codes and the output, and obviously the code and the output you get again in the console. So whatever you write, let's suppose I'm yahan pe likh rahe 2 - 7, control R, and you're getting your answer over here. Understood? Understood? Done? Theek hai. So, this is how we move ahead. अब यहाँ पे अगर हमें इसका लेआउट चेंज करना है, यू कैन डू इट. यू कैन गो इन एडिट GUI प्रेफरेंसेज, एडिट GUI प्रेफरेंसेज. यहाँ पे यू कैन इंक्रीज द साइज, यहाँ पे देखो, चेंज द कलर एंड एवरीथिंग. आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज वी नॉट बी वर्किंग ऑन दिस. यहाँ पे साइज है, यहाँ पे स्टाइल है. You can change it from here. You can increase the size if you want, obviously. तो देखो, console का size increase हो गया. But this is something which we'll not be using. हम अपना our script ही use करेंगे. ठीक है? Done? ठीक है? So this is how your RGUI looks like. यहाँ पे Control R, you just have to click on Control R. You just have to, Ganesh, you just have to click on, जैसे मैंने लिखा 5 + 4, तो Control R, that's it. साथ में करना है, click Control R. And your cursor should be here. Cursor कहीं नीचे नहीं हो सकता. Cursor इस line में होना पड़ेगा. अगर आपका cursor कहीं और है, it will not work. Your cursor should be here. ठीक है.
Is it working now? Next देखो, no, control R करना है आपको, साथ में क्लिक करना है आपका. आप प्लीज यहाँ देखो एक बार, योर कर्सर शुड बी हियर. इफ योर कर्सर इज समवेयर एल्स इट इज इट विल नॉट वर्क. आपका आउटपुट जो है वो कंसोल पे आ रहा है. सी यू आर गेटिंग द आउटपुट ऑन योर कंसोल. इट शुड वर्क. ऐसा क्यों हो रहा है कि इट्स नॉट वर्किंग? इट शुड वर्क. योर कर्सर शुड बी हियर. मैडम मेरे में कुछ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है वो कंट्रोल आर करने से स्क्रीन पे. कर्सर वहीं पे रख रहा हूँ मैं भाई. वो विंडोज आर नहीं दबा रहे आप? विंडोज आर से रिकॉर्डिंग. आप विंडोज आर दबा रहे हो? नहीं मैडम, कंट्रोल आर ही दबा रहा हूँ. कंट्रोल एंड आर. इसको सिलेक्ट करके करो. कंट्रोल नहीं होना चाहिए वैसा. कुछ सेटिंग आपके लैपटॉप में वैसा किया हुआ होगा कि कंट्रोल आर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है. नेवर माइंड. अगर इफ इट्स नॉट वर्किंग जस्ट लीव इट. डोंट like no issues because we'll be working on our studio. This is something which you have to keep. You don't have to uninstall this RGUI. We'll be anyways working on our studio. ठीक है. So this is how your graphic user interface looks like. You can also make graphs over here. I'll not show that. But we also have a plot area जो अलग से आता है. But यहाँ पे कितना difficulty हो रहा है देखो बार बार इधर उधर करने में. आप इसको save कर सकते हो, इसको आप नहीं save कर सकते हो. बहुत difficult मतलब आप control S करके save कर सकते हो. But again, it's not very nice. The interface is not very nice. So that is why they introduced our studio for better, you know, use हम better कर सकते हैं इसीलिए. So we'll just close this. Okay, just close this simply. It will ask you, do you want to save? I will say no. Okay? Just no pe click karke band kar do. Because we don't want to save it. Now, next Mom, thing we'll... Huh? Ma'am, 32-bit ke liye download nahi ho raha hai. Kaise karna wo? 32 kyun karna hai? The computer will not support 64, ma'am. अभी तो 32-bit अभी आता भी नहीं. I don't think. Because 32-bit को option ही नहीं था अभी. 64 कर लो, कुछ नहीं होगा. Okay, ma'am. Next, you have to type our studio download. ठीक है. Our studio download. And the first link, click on that. ठीक है, यहाँ तक आ गए. Now products पे जाना. तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा ठीक से. मैम अभी आ रहा है. मैम मेरे पास आर स्टूडियो और आर दोनों का ऑलरेडी है ओल्ड वर्जन. तो मैंने आर तो वापस डाउनलोड कर लिया. आर स्टूडियो ओल्ड वर्जन रहेगा तो चलेगा ना? चलेगा. ठीक है, मैंने वही बोला स्टार्टिंग में कि चलेगा. यहाँ पे जब स्क्रोल डाउन करोगे तो भी देखो एक ऑप्शन है डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडोज. ठीक है. और व्हाट यू कैन डू इज जस्ट नीड इस पे जाना प्रोडक्ट्स में. प्रोडक्ट्स में भी आपका आर स्टूडियो IDE है. IDE इज बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट. आपको ये सब फुल फॉर्म याद नहीं करना, मुझे याद है. सो इट्स बेसिकली IDE. वी से दैट इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, अ गुड इंटरफेस जहाँ हम लोग वर्क कर सकते हैं. ठीक है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे SQL में भी होता है. लोग SQL सर्वर पे वर्क करते हैं या फिर MySQL वर्कबेंच पे वर्क करते हैं. तो वर्कबेंच पे भी वर्क करते हैं, विच इज अ गुड IDE, गुड एटमोसफेयर, गुड एनवायरमेंट जहाँ हम लोग वर्क कर सकते हैं. सिमिलरली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है कि
आप अलग अलग जगह पर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी हैव अ आर स्टूडियो आईडी, यू कैन आइदर क्लिक ऑन दिस। तो इस पे जब क्लिक करोगे, थोड़ा स्क्रोल डाउन करोगे, तो यहाँ पे भी देखो यू हैव डाउनलोड आर स्टूडियो। हमें प्रो का जरूरत नहीं है, हमें ओपन सोर्स चाहिए, और यू कैन डाउनलोड यहाँ से, ठीक है, डाउनलोड आर स्टूडियो पे क्लिक कर सकते हो। डाउनलोड आर स्टूडियो, मैम कैन यू प्लीज रिपीट द स्टेप्स। जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड आर स्टूडियो, जहां पे भी दिख रहा है जस्ट क्लिक ऑन दैट, ठीक है, ये वहीं आपको ले आएगा। डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर डेस्कटॉप, जिनका मैक है यू हैव टू टाइप डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर मैक, तो आपका मैक वाला खुल जाएगा। ट्राई करो जिनका मैक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन भी करोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स का दे देगा, विंडोज 10 11 के लिए, मैक ओएस के लिए। सो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। एनीवेज इफ यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आपका आर स्टूडियो एग्जीक्यूटेबल फाइल देखो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो। भूमि आर यू गेटिंग इट नाउ? यस मैम। डाउनलोडेड, थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा आर स्टूडियो डाउनलोड करने में कंपेयर टू आर जीयूआई, बिकॉज ये थोड़ा हैवी होता है। ये सब जो स्टेप्स है ना, भूल मत जाना। बाय ऑब्वियसली आपने एक बार डाउनलोड कर लिया, तो यू डोंट हैव टू डाउनलोड इट अगेन। बट वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज व्हेन आई सी स्टूडेंट्स, आप लोग अभी CS1 कर रहे हो, मे बी नेक्स्ट टर्म आप CS2 करो, या उसके बाद वाले टर्म आप CS2 करो कभी भी, तो तभी भी हमारे लैपटॉप में डाउनलोडेड है। बट एक पॉइंट होता है, 1-2 साल बाद स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे किया था डाउनलोड, याद नहीं है। दीज बेसिक थिंग्स यू शुड नॉट फॉरगेट इन लाइफ। इफ यू आर सेइंग दैट आई नो आर प्रोग्रामिंग, यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू डाउनलोड इट, राइट? मेरे को स्टूडेंट्स कॉल करते हैं जो 3 साल पहले जिन्होंने पढ़ा होता है, कि कैसे डाउनलोड करते हैं, हम भूल गए। यू शुड नेवर फॉरगेट दिस थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप ये भूल रहे हो, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ऑल दो यू कैन सी यूट्यूब एंड ऑल दोज थिंग्स, बट स्टिल यू शुड नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स। अगेन जब हम डाउनलोड्स में जाएंगे, वी हैव आर स्टूडियो, आपका कुछ और वर्जन होगा डजेंट मैटर, कंप्लीटली फाइन। डाउनलोड हो गया क्या सबका? ओके, सो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस नाउ। अगेन इट विल आस्क यू, इट विल गिव यू अ विंडो, जहां पे डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक एनी चेंजेस टू योर डिवाइस, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन यस, ठीक है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन यस। अब देखो एक बार सेटअप देख लो कैसे करना है। यस, अराउंड 200 MB। तो वेलकम टू आर स्टूडियो सेटअप, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। आई विल नॉट क्लिक ऑन इंस्टॉल सिंस आई ऑलरेडी हैव इट, बट यू ऑल विल क्लिक ऑन इंस्टॉल। आई विल नॉट क्लिक बिकॉज आई हैव इट ऑन माई लैपटॉप ऑलरेडी, बट आप लोगों को करना है। इंस्टॉल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है? इंस्टॉल हो रहा है ना, ठीक है, एंड देन इट विल आस्क यू फिनिश, डन पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल, क्लिक तुम लोग का पीछे हो रहा है सबका, तुम कर लिया था पहले से? डन, कितने लोगों का पहले से किया हुआ था? ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ यू, ठीक है भाई, मैं सोचूं इतना फटाफट कैसे कर रहे हो तुम लोग, इतने तो इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
इंस्टॉल होने के बाद यू जस्ट हैव टू टाइप यहाँ पे आर एस, तो ये आ जाएगा आर स्टूडियो. जस्ट ओपन इट अप. जब आप ओपन करोगे तो आपका समवॉट कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेस. ऐसा दिख रहा है क्या? देखो, ऐसा दिख रहा है क्या इंटरफेस जब आपने ओपन करा? चूज आर इंस्टॉलेशन बॉक्स. ये क्या आया? क्या दिखा रहा है? जस्ट क्लिक ऑन यस. हाँ बोलो. मैम, इट्स शोइंग यूज योर मशीन डिफॉल्ट 64-bit वर्जन ऑफ यस आवर यस रेंडरिंग इंजन ऑटो डिटेक्ट रेकमेंडेड समथिंग लाइक दिस. एक बार ग्रुप में फोटो भेजो. आर यू ऑल एबल टू रीच टिल हियर? दोज़ हू आर एबल टू रीच टिल हियर प्लीज क्विकली राइट अ यस. जो में है ना, तो हम नहीं है. पहले वाले में यस क्लिक करो एंड दूसरे वाले में जिन जिसने फोटो भेजा है वो नो क्लिक करो. देखो आगे प्रोसीड होता है कि नहीं. इतना स्मार्ट है ना तुम. अब तुम्हारा क्रैश हो जाएगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा. नहीं होगा वो चीज. अब डिलीट. अब तुम्हारा लैपटॉप ही तुमको चेंज करना पड़ेगा. मैम, हाँ बोलो भूमि. इन माई ऑल्सो आर स्टूडियो रिक्वायर्स एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन ऑफ आर आर है, तो उसमें नो और इसका ऑप्शन ही नहीं है. ब्राउज ओके एंड कैंसिल का ऑप्शन है. ओके कर दो ना. ये किसने भेजा है? ये के कौन है? के खुशी. मैम, मैंने देखा. तुम्हारा आरजीयू, तुम्हारा आरजीयूआई हुआ था क्या? यस मैम, मैंने ट्राई किया था ये पहले भी, बट इट्स नॉट ट्राइंग टू इंस्टॉल, सो आई थिंक आई हैव टू ठीक अपडेट है. विंडोज स्टार्टिंग. तुम्हारा विंडोज कौन सा है? 7? यस मैम, नॉर्मल. नहीं होगा. विंडोज 7 से यू कैन नॉट वर्क. यू हैव टू अपग्रेड. विंडोज 7 इज अ वेरी वेरी ओल्ड विंडोज यू आर यूजिंग. यू विल नॉट बी एबल टू यूज विंडोज 7 फॉर योर एग्जाम ऑल्सो. अपग्रेड करना होगा. मिनिमम विंडोज 10 इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम. यहाँ तक सबका हो गया? ठीक है. सो नाउ लेट्स लुक हाउ द स्क्रीन, हाउ द आर स्टूडियो लुक्स लाइक. सो दिस इज द कंसोल एरिया दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. जो वहां पे कंसोल था ना, सेम हियर वी हैव अ कंसोल एरिया. यहाँ पे हमारा, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट विंडो.
यहाँ पे वी हैव ग्लोबल एनवायरनमेंट, वी हैव हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो भी पुराने कुछ हमने फंक्शंस लिखे होंगे, कोड्स लिखे होंगे, वो हमें यहाँ पे मिलेंगे. बट दिस इज समथिंग आपका में शायद ब्लैंक आ रहा हो अगर आपने कुछ कोड्स नहीं लिखा है. कनेक्शंस है, ट्यूटोरियल है. सो ये हमें मोस्टली ग्लोबल एनवायरनमेंट विंडो ही काम आता है. वी डोंट जनरली यूज दीज अदर टैब्स व्हिच आर देयर. ठीक है, देन वी हैव अ फाइल. यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, दिस हैज अ फाइल्स टैब विच एक्चुअली हैज फाइल्स विच. सो बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सिस्टम समझते हैं इस चीज का हम. ये जो हमने आर स्टूडियो डाउनलोड किया, ये ना अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में, याद है शुरू में सी कोलन वैसे आ रहा था, तो आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स वाले जगह पे जाओगे, यूजुअली हमारा जो आर है, ये जो पूरा हिस्ट्री है, कब से ये हिस्ट्री होगा पता नहीं, तो ये पूरा जो आर हिस्ट्री है, ये जो सारे पैकेजेस जो मैं अभी बोल रही थी, फंक्शंस है, ये सब ना वहां पे स्टोर होते हैं. हमारे लैपटॉप में एक अपने आप फोल्डर क्रिएट हो जाता है, आर का फोल्डर. अगर आप यहाँ जाओ इन योर डॉक्यूमेंट्स, तो ना एक अपने आप यहाँ पे एक आर का फोल्डर अपने आप क्रिएट हो जाते हैं. दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट क्रिएटेड, ये अपने आप क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, जनरली डॉक्यूमेंट्स में होता है. दिस इज द प्लेस जहाँ पे सब कुछ स्टोर होगा. आपको इसको टच नहीं करना है, आपको इसको टच नहीं करना है. जस्ट लीव इट एज इट इज, डोंट मेक एनी चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर. डिलीट नहीं करना, खोल के कुछ डालना नहीं है, कुछ नहीं करना, जस्ट लीव इट एज इट इज. ठीक है, बिकॉज वॉट हैपन्स, आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज टूवर्ड्स दी एंड. आप लोग कुछ इसमें गड़बड़ करते हो एंड फिर तब आप लोग का पैकेज इंस्टॉल नहीं होता, तब आप कुछ वर्क नहीं, एग्जाम के दो दिन पहले रोते रोते कॉल करते हैं स्टूडेंट्स. तो प्लीज ये सब काम मत करो. Whatever I am teaching in class, just do that. अगर आप कुछ try, test कर रहे हो, exam के बाद करना, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता होता आप क्या कर दोगे and then you face a lot of issues in your exam. Otherwise, see, even I am someone who will tell you कि explore करो, ये सब करो, but उतना ही explore करो जितना आपको समझ में आ रहा है. नहीं तो exam में फिर उस point पे हमारे लिए भी difficult होता है to help you अंडरस्टैंड कि आपने क्या किया है अपने लैपटॉप एंड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज वेल. राइट, यस, मिनिमम विंडोज 10 इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम. तो यहाँ पे दिस इज द फाइल टैब, देन वी हैव द प्लॉट एरिया. विच क्लास? 12 से नहीं था, 11 से. यहाँ बैठो, ये हेल्प कर देगा तुमको. सो वी हैव द प्लॉट एरिया. सो प्लॉट एरिया इज बेसिकली जहाँ पे वी गेट द प्लॉट्स. पैकेजेस में हमारे सारे जो मैंने बोला ना पैकेजेस रहते हैं, तो बहुत सारे आपको जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको जो यहाँ पैकेजेस दिख रहे हैं, आपको मे बी सारे नहीं दिखे बिकॉज आई हैव सम एडिशनल पैकेजेस ऑन माई लैपटॉप. हेल्प टैब इज अ वेरी वेरी यूजफुल टैब जहाँ हमें सारे फंक्शंस, जो भी हम फंक्शंस कोड्स लिखते हैं, यू गेट इट ऑल ओवर हियर. सो इट्स लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल जब आपको कुछ ढूंढना है, आपको याद नहीं आ रहा, आपको खाली फंक्शन का नेम याद है, तो आप ये हेल्प टैब यूज कर सकते हो. ओ तब तुम बैठो, आराम से चिल करो, बस एकदम लैपटॉप पर खोल लो मतलब. ठीक है, तो यू हैव द हेल्प टैब एंड दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल. देखो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं स्मार्ट, एक होते हैं नॉट स्मार्ट. ठीक है, तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं दे यूज दिस टैब अलॉट एंड वो सामने से आंसर करते हैं. जो नॉट स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो हेल्प टैब कभी लाइफ में यूज नहीं करते. वो कितना भी उनको लाइफ में डिफिकल्टी हो जाए, उनके सामने ये हेल्प है बट वो हेल्प नहीं लेते. ठीक है, सो वी आर इन द स्मार्ट कैटेगरी, सो वी विल यूज दिस. इवन आई विल यूज इट एंड इवन यू विल यूज इट विथ मी. तो अगर आपको कुछ भी नया फंक्शन मिले, प्लीज ट्राई टू यूज द हेल्प टैब. आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग दिस कंसोल दैट वी हैव. जैसे वहां कंसोल था, आज जीयूआई में इट्स द सेम थिंग. तो यहाँ पे लेट्स सपोज आई एम राइटिंग अगेन 3+5 एंड क्लिक ऑन एंटर. द मोमेंट यू क्लिक ऑन एंटर, आप देखो आपका ये वार्निंग इग्नोर करना. मेरे केस में एक्चुअली मेरा आर बहुत पुराना हो गया है,
मुझे करना पड़ेगा. सो जस्ट इग्नोर दैट वार्निंग. बट आपको ये आंसर मिल रहा होगा, 3 + 5 एंड गेटिंग द आंसर एज 8. गणेश, नाउ इज इट वर्किंग? एग्जाम में अलाउड है हेल्प टैब? यस, आराम से बिंदास, एग्जाम में इट्स अलाउड. ऑल्दो एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगा, तब तक आपको सब याद हो जाएगा. CS1 में इट्स नॉट रिक्वायर्ड एग्जाम में, क्योंकि तब आपको सब कुछ पता. CS2 में डेफिनेटली वी हैव लाइक मोर देन 100 फंक्शंस वहां पे, तो CS1 में इट्स नॉट रिक्वायर्ड. CS2 में डेफिनेटली. बट हमेशा मैं क्या बोलती थी कि CS1 का पेपर भी बहुत ईजी होता है, इट्स लाइक द ईजीएस्ट, एंड इट्स एक्चुअली द ईजीएस्ट. अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देखो, इट्स लाइक वेरी केक वॉक एकदम. बट इस बार ही उन्होंने सब मेरे अजम्पशंस पे पानी फेर दिया. इस बार का आर प्रोग्रामिंग वॉज एक्चुअली अ लिटिल डिफिकल्ट. तो अब जो नोशन इतने सालों से था 2019 से कि आर प्रोग्रामिंग CS1 में केक वॉक है, वो नोशन अब से टूट गया. And hopefully in the April term also you will get a difficult paper in R. ठीक है, hopefully. That is what I am hoping. That they will give you a very difficult paper, because अभी तक तो R बहुत easy आ रहा था. Students were getting 95, 96 ऐसे मिलता था, जो अच्छे से पढ़ लेते थे. 80 above तो बहुत जनों को मिलता था. But अब तो इस बार जो इन्होंने paper दिया है, तो I feel कि अब ये थोड़ा continue करेंगे trend. तो अब आपका आर प्रोग्रामिंग इजी नहीं आएगा अप्रैल में. होपफुली यू विल गेट अ डिफिकल्ट पेपर इन आर. यू कैन एक्सपेक्ट अ डिफिकल्ट पेपर. ठीक है, तो यस यू कैन यूज. सो यहाँ पे जैसे हम प्लस माइनस सब कुछ कर सकते हैं. सिमिलरली डू वी हैव अ कंसोल, डू वी हैव अ आर स्क्रिप्ट? यस. कैसे? फाइल में जाना एंड क्लिक ऑन फाइल में जाना एंड क्लिक ऑन दिस न्यू फाइल and click on R script. Click on R script. या फिर we can use a shortcut Control Shift N. Control Shift N. ठीक है? See, this is opening for you. मैंने थोड़ा zoom कर रखा है अपने screen को, but आप लोगों का बहुत छोटा छोटा आ रहा होगा. कैसे zoom करना है वो सिखा दूंगी. Don't worry. एक बार यहाँ पे लिखो 5 + 3. एंड कंट्रोल एंटर करते हैं यहाँ पे हम, एंड यू विल गेट योर आउटपुट इन द कंसोल, सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन RGUI. ठीक है, डन है. डन. चलो अब थोड़ा फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नींद आ रहा है अब, मुझे ऐसा लग रहा है. कंट्रोल आर नहीं गणेश, कंट्रोल एंटर. इधर पे यू हैव टू डू कंट्रोल एंटर. सो जस्ट मेक श्योर योर कर्सर इज हियर ऑन दिस लाइन एंड जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल एंटर. और सी प्लीज एक बार देख लो, यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दिस एंटायर थिंग एंड क्लिक ऑन रन. यहाँ पे एक रन का बटन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट. जस्ट क्लिक ऑन दैट. ठीक है, सो नाउ जब हम हैश देते हैं ना. सॉरी मैडम, रन का बटन कहाँ है? दिस बटन. कंट्रोल एंटर, इज इट वर्किंग फॉर यू नाउ? कंट्रोल एंटर शुड वर्क. यू हैव टू कीप योर कर्सर यहाँ पे. And just control enter. Ma'am, I've downloaded R Studio few days. Which R programming folder, Khushi? The one I showed you. Yes. Just leave it now. कुछ मत करो and create a new folder and उसमें अब करना जो करना है. मुझे पता था एक student ऐसा निकलता है जो extra दिमाग लगाते हैं. इसको हम बोलते हैं थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स, ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स. मैम
recorded me, there's nothing like you said right now. That's why I saved in that folder only. So now should I move those files? No, no, leave it. Leave it. You can delete them. बट बाकी प्लीज कुछ और डिलीट मत करना. अगर वो मैं इसीलिए क्यों लीव इट बोल रही हूँ क्योंकि तुम और भी एक्स्ट्रा चीज डिलीट कर दोगी फिर. ओके. सो व्हेन यू गिव अ हैश इसका मतलब होता है व्हाटएवर वी विल राइट 5+3 मैंने लिखा एंड कंट्रोल एंटर करा तो देखो कुछ भी नहीं हुआ एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना बिकॉज जब भी हैश के बाद कुछ देते हो इट इज टेकन एज अ कमेंट. कमेंट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन. आर में ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है अंडरस्टूड. इज इट वर्किंग अनीश कंट्रोल एंटर. ग्रेट. चलो सो नाउ व्हाट वील डू इज वील राइट सम लॉजिकल फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं प्लीज म्यूट करो. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. नॉट इक्वल टू कैसे होता है आर में एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन अ इक्वल टू साइन. सो एक्सक्लेमेशन मार्क स्टैंड्स फॉर नॉट एंड दिस इज नॉट इक्वल टू. ठीक है एक्सक्लेमेशन मार्क स्टैंड्स फॉर नॉट एंड नॉट इक्वल टू के लिए हम ऐसे करते हैं. इक्वल टू इज जनरली डबल इक्वल टू नॉट सिंगल. डबल करना होता है सिंगल से नहीं होगा. ठीक है दीज आर द डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स विच आर देयर. तो जैसे सपोज हम कर रहे हैं फोर. व्हाट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल फंक्शन. मंजरी आपका जो कर्सर है वो यहाँ नहीं होगा. इट इज दैट इज इट इज नॉट वर्किंग कंट्रोल एंटर अदरवाइज इट शुड वर्क. बोलो आवाज नहीं आ रहा है. एंड देन यू आर क्लिकिंग ऑन कंट्रोल एंटर टुगेदर. यस यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा नीचे कंसोल पे. नहीं सिलेक्ट करो इसे एंड क्लिक ऑन रन. ऐसे करो आप फिर एंड देन आई विल चेक इट लेटर कि क्यों नहीं आ रहा बिकॉज इट शुड कम. आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो सिली मिस्टेक. रन करने से आ गया. ठीक है वैसे ही करो फिर. यू कैन जस्ट कीप योर कर्सर यहाँ पे एंड देन आल्सो यू कैन क्लिक ऑन रन. तभी भी हो जाएगा अगर सिलेक्ट नहीं करना. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल फंक्शंस होते हैं जिनका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में रहता है. सो फोर लेट्स सपोज मैं लिख रही हूँ 4 > 8 इज दिस ट्रू. नो. सो व्हेन यू रन दिस कंट्रोल एंटर योर आंसर यू आर गेटिंग एज फॉल्स. ठीक है आंसर यू आर गेटिंग एज फॉल्स. सिमिलरली ग्रेटर देन है लेस देन है. इक्वल टू के लिए डबल टाइम इक्वल टू क्लिक करना होता है एंड देन 6 तो कंट्रोल एंटर करो आपका फॉल्स आ रहा है. अगर आप सिंगल टाइम करते हो लेट्स सपोज 6 = 8 एंड देन यू क्लिक ऑन कंट्रोल एंटर यू विल गेट एन एरर. यू विल गेट अ एरर. ठीक है सो डोंट डू दैट. इक्वल टू इज डबल इक्वल टू. रिमेंबर दिस वर्जन भूल जाते हैं. ठीक है 2d पार के लिए 6 2d पार 2. 2d पार के लिए ना हम एक चीज और करते हैं. ये मैं आप लोग को इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन में सिखा रही हूँ. 6 **2 **2 करने से भी इट्स लाइक एक्टिंग एज 2d पार. मैम 2d पावर कैन बी रिटन इन 2 ways. या ओके. ठीक है नाउ नॉट इक्वल टू के लिए जैसे सपोज 5 नॉट equal to 8. So is this true or false? This is true. So your answer should be true. ठीक है. अब हम लोग दो चीज पढ़ते हैं. दो नए ऑपरेटर्स सीखते हैं which is this. रुको hashtag देके लिख रही हूँ. This ये पाइप ऑपरेटर है. वेयर डू यू गेट दिस. एंटर के ऊपर में देखना देयर इज अ लाइन. एंटर बटन के ऊपर में देयर इज अ लाइन. तो शिफ्ट प्लस दैट बटन तो आपको ये
पाइप ऑपरेटर मिलेगा एंड एम्परसेंट, इसको हम एंड नहीं बोलते, एम्परसेंट बोलते हैं. सो अ पाइप ऑपरेटर एंड एम्परसेंट. मैम वी हैव टू गिव स्पेस आल्सो. डजंट मैटर, दिस इज एनीवेज अ कमेंट, इतना डरो मत, जस्ट ट्राई करके देखो छोटे छोटे चीजों को, ठीक है. तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली दिस पाइप ऑपरेटर इज अ और ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम और ऑपरेटर बोलते हैं. मैं यहाँ पे ये एंड हटाई देती हूँ, फिर आप लोग पता नहीं कंफ्यूज हो जाओगे. तो लेट्स सपोज व्हाट आई एम डूइंग इज, एक बार ध्यान दो, ग्रेटर देन फाइव, ठीक है, ये मैंने लिखा, ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है. अब मैं ये और ऑपरेटर, इसको हम और ऑपरेटर बोलते हैं, ये मैं देती हूँ, अगर आप स्पेस बीच में दे रहे हो नहीं दे रहे हो डजंट मैटर, स्पेस सेंसिटिव नहीं है आर प्रोग्रामिंग. एक्सेल इज स्पेस सेंसिटिव, मतलब एक्सेल में अगर स्पेस रहता है नहीं रहता है तो वहां पे इट्स सेंसिटिव, बट यहाँ पे इट इज नॉट स्पेस सेंसिटिव, इट इज केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, ठीक है. अगर आपका कोई फंक्शन कैपिटल्स में है तो उसको कैपिटल्स में ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल में लिखने से नहीं आएगा एंड वाइस वर्सा. बट अगर आप कोई स्पेसेस दे रहे हो, जैसे बीच में हम यहाँ पे स्पेसेस दे देते हैं, यू विल स्टिल गेट द आंसर. देखो 4 ग्रेटर देन 8 आ गया. तो यहाँ पे आर प्रोग्रामिंग में आप चाहे 10 स्पेस दो मत दो, फर्क नहीं पड़ता, एक्सेल में फर्क पड़ता है. यहाँ पे आप अगर केस मतलब आपका कैपिटल लेटर में लिखते हो या स्मॉल लेटर में लिखते हो तो फर्क पड़ता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है whether you're writing in small letters or capital letters, but space आप कुछ भी दे सकते हो. So again यहाँ पे I'm writing let's suppose 7 less than 9. So is this statement true? Is this statement true? True or, this is or, read it as or. True or true will give you true. ठीक है, ट्रू और ट्रू विल गिव यू ट्रू. सिमिलरली यहाँ पे इफ आई राइट ग्रेटर देन, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है. ट्रू और फॉल्स मतलब ट्रू, एक स्टेटमेंट ट्रू है एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या आएगा. सो बेसिकली अगर आप डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस देते हो एंड यू सेपरेटेड बाय और, तो अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है, इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, आंसर विल बी ट्रू, ठीक है. इफ एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ एनी, इफ सॉरी ऐसे नहीं देके लिख सकते, हैश देके, इफ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ एनी वन स्टेटमेंट एक्चुअली, इफ एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू, योर आउटपुट विल बी. ठीक है, डन. इफ एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू योर आउटपुट विल बी ट्रू. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विथ एंड ऑपरेटर. तो यहां पे इंस्टेड ऑफ दिस पाइप ऑपरेटर आई एम गिविंग अ एंड ऑपरेटर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रू, ये मैं लेस देन कर देती हूँ. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. True and true will give you true, ठीक है. And let's say suppose हम लिखते हैं यहाँ पे greater than, तो ये वाला statement false है, ये वाला statement true है. True and false will give you false. तो अगर एक भी statement false है, if any one is false, output will be False. So, सब कुछ ट्रू होना पड़ेगा एंड में, एंड के केस में, ताकि आपका आंसर ट्रू आए. एक बार इसको गो थ्रू करो.
ठीक है, डन, अंडरस्टूड. बेसिकली एंड ऑपरेटर से क्या होता है कि अगर सारे स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स है यू विल गेट अ फॉल्स. और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एक भी अगर फॉल्स है, मतलब एक भी अगर ट्रू है, सॉरी, सो आउटपुट विल बी ट्रू. ठीक है, सो बिकॉज इट्स और, एनी वन हैव टू बी ट्रू, हैज टू बी ट्रू. Now, the next thing that we'll do, which is very important, is the type of variables. ठीक है, सो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होता है, तो जो नंबर्स हम बोलते हैं 2, 3, 4, ये सब कॉन्स्टेंट्स क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रहता है. इसका वैल्यू क्या, 2 का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, मतलब नंबर 2, कैन यू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस? नो, it's impossible, you cannot change 2 to some other number. But let's say, suppose if I'm saying x, ठीक है, x में हम डाल देते हैं 2, x equal to 2, आप लोग लिखते थे ना, कुछ भी हम लोग लिखते थे, तो x is a variable, why? Because the value can be changed. Similarly, यहाँ पे भी in our programming, we will see that there are different types of variables, ठीक है, तो जब भी कोई number या कोई constant हमें एक variable को assign करना होता है, तो हम use करते हैं assignment operator. An assignment operator looks like this. This is a assignment operator, less than and minus ka sign. So for example, I want to assign x as a number. To x mein maine 3 dal diya, let's suppose. X mein maine 3 dal diya, tum logo ko piche se dikh raha hai? Theek hai? एंड इसको लेट्स सपोज हम रन कर देते हैं, इसको लेट्स सपोज हम रन करते हैं, द मोमेंट यू रन इट, देखो ग्लोबल एनवायरनमेंट विंडो में वी आर गेटिंग अ वैल्यू एक्स एंड यहाँ पे वी आर गेटिंग 3, करेक्ट, वी आर गेटिंग इट यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे 3, राइट? सो एक्स इज अ वेरिएबल एंड 3 इज अ नंबर दैट वी आर असाइनिंग टू दिस वेरिएबल. Understood? ठीक है. सिमिलरली आप कोई भी नंबर असाइन कर सकते हो. नाउ लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम एक्स में, स्मॉल एक्स में ही दोबारा से हम 5 असाइन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका वैल्यू चेंज हो गया. ठीक है, ऑब्वियसली आपका एक और एक्स तो नहीं आएगा, बिकॉज एक्स तो सेम है, एक ही वैल्यू ले सकते हैं, अलग वैल्यू लेगा नहीं एक बार में. ठीक है, अब अगर आपको सपोज पहले से कभी आपने कुछ असाइन कर रखा था कहीं पे x में, आपको देखना है कि x में क्या वैल्यू था, तो आप यहाँ पे खाली x टाइप करोगे एंड कंट्रोल एंटर, आपको वैल्यू मिल जाएगा 5. और यू कैन क्लिक ऑन, और यू कैन टाइप अ फंक्शन प्रिंट x, तो आपको मिल जाएगा 5. ठीक है, प्रिंट फंक्शन है, ब्रैकेट में हमने लिखा x. ठीक है, अंडरस्टूड? तो आपका x का वैल्यू आ गया. अब लेट्स सपोज हमें जानना है कि x कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल है, सो उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं टाइप ऑफ x. तो हमारे को हमें टाइप मिल गया है डबल. व्हाट इज डबल? डबल स्टैंड्स फॉर डबल प्रिसीजन, मतलब कि देखो कितने टाइप. इट्स शोइंग एन एरर बिकॉज प्रणिका यू माइट हैव, कहाँ पे एरर आ रहे है, क्या एरर आ रहे है? नहीं मैम, हो गया. सो यू टाइप ऑफ एक्स, सो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं? वी हैव अ नंबर वेरिएबल, न्यूमेरिक हो सकता है जहाँ पे आप नंबर्स डाल रहे हो, टेक्स्ट हो सकता है, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं आर प्रोग्रामिंग में, तो कोई भी नेम लिख दिया, कुछ लिख दिया, तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर वेरिएबल या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल. ठीक है, सिमिलरली लॉजिकल होता है जहाँ पे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एन ए, एन ए इज नॉट एप्लीकेबल, मिसिंग वैल्यू है कुछ, तो ट्रू फॉल्स एन ए, ये सब होता है आपका लॉजिकल वेरिएबल. ठीक है, सिमिलरली वी हैव कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स नंबर याद है, 3 + 4 आई, आई लिखते थे, आई इज वॉट, रूट ओवर माइनस 1,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो हम लोग आर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिक है, दिख तो नंबर ही रहा है, बट ये डबल क्यों आ रहा है? बिकॉज डबल स्टैंड्स फॉर डबल प्रिसीशन। इट्स बेसिकली जहाँ पे हम डेसिमल प्लेसेस यूज कर सकते हैं। सो 5.3, 5.6 आप लिख सकते हो। इट्स नॉट अ इंटी, देखने में इट्स लुकिंग लाइक एन इंटीजर, ऑब्वियसली इट्स एन इंटीजर 5, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक दिस इंटू 5.0 ऑल्सो, विच इज अ डेसिमल। तो उसको हम कोडिंग लैंग्वेज में डबल बोलते हैं, डबल प्रिसीशन। क्लियर? अगर हम इसका क्लास चेक करें, ठीक है, इसका हम क्लास चेक करें, क्लास ऑफ एक्स, तो देखो न्यूमेरिक आ रहे हैं, तो देखो न्यूमेरिक आ रहे हैं। अनुष्का, हैव यू नॉट रन दिस ऑब्जेक्ट एक्स नॉट फाउंड? स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स, कहीं पे वो मिस्टेक किया होगा, चेक करो। हाँ, थे, क्लियर है? क्या हुआ, नहीं आ रहे? ठीक है, सो सिमिलरली अगर मुझे इंटीजर स्टोर करना है, सो दिस इज बेसिकली न्यूमेरिक के अंदर ही इंटीजर आता है। अगर मुझे इंटीजर स्पेसिफिकली एक्सेल को, आर को बोलना है कि हमें इंटीजर ही स्टोर करना है, हम कुछ और स्टोर नहीं करना चाहते, सो वॉट वी कैन डू, 7L, कैपिटल एल लिखते हैं। कैपिटल एल लिखने से देखो, यहाँ पे कैपिटल एल लिख रहे हैं, इट्स टेकन एज अ 7 ओनली, वो रीड 7 हो रहे हैं, एल स्टैंड फॉर इंटीजर। तो अगर इसका अब आप टाइप चेक करोगे, इसका अगर आप टाइप चेक करोगे, तो इट विल गिव यू इंटीजर, इट विल गिव यू इंटीजर। हाँ, इट हैज टू बी इन कैपिटल, इट इज केस सेंसिटिव। क्लास चेक करके बताना क्या आ रहा है, एक बार यहाँ देखो प्लीज। व्हेन आई एम टाइपिंग सी एल, लेट सपोज क्लास में टाइप करूँ, तो ना सारे फंक्शन जितने भी सी एल ए से स्टार्ट होते हैं, फंक्शन आ जाते हैं। अब मुझे पूरा फंक्शन नहीं टाइप करना, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टैब, तो ये अपने आप पूरा फंक्शन टाइप हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। और आर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब आप कोई ब्रैकेट ओपन करते हो, वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं। जैसे अगर सपोज यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करूँ, तो अपने आप क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है। सो टाइप, क्लास चेक करते हैं, इंटीजर, सेम थिंग। क्लास इज बेसिकली कि न्यूमेरिक है कि स्ट्रिंग, ब्रॉडर कैटेगरी हो गया, उसके अंदर, ठीक है। अनदर थिंग दैट वी कुड हैव, another thing that we could have done over here is z mein instead of l, jaise humne l likh ke integer banaya na, to z mein hum store kare, let's suppose as dot new function hum seekhte as dot integer and yahan pe x likh dete. To basically what we are doing as dot integer likhne se kya hota hai, you are converting, you want to convert anything which is there into an integer. Anything which you give as an input into an integer. तो यहाँ पे हमने लिख दिया x. X was a double, not a integer. अब इसको अगर हम run करें, इसको अगर हम run करें, तो देखो आपका z में क्या आ रहा है, 5L आ रहा है। फाइव एल आ रहे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। सिमिलरली अगेन, अगर आपको उसको डबल में कन्वर्ट करना है, तो लेट्स सपोज हम एक्स वाई जेड वी ले लो। सो वी में हम डालते हैं as dot double, let's put in as dot double, and यहाँ पे let's put in z, क्योंकि z currently is an integer. तो let's run this. तो आप देखो यहाँ पे आपका v 5 आ गया, it has converted 5L into 5. ठीक है, एक चीज जो मुझे आप लोगों को बताना है,
सिंपल चीज जो समझाना है, एक बार यहाँ ध्यान देना, एस डॉट डबल लिख के मैंने वाई लिखा, ठीक है, एंड आई एम रनिंग दिस, तो मुझे 7L नहीं आ रहा आउटपुट में, मुझे 7 आ रहा है क्योंकि वो डबल में चेंज हो गया, ठीक है। बट क्या जब मैंने यहाँ पे खाली ऐसे फंक्शन लिखा, इज योर वाई एक्चुअली चेंजिंग ओवर हियर? नो, बिकॉज यू आर जस्ट परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन वाई, बट यू आर नॉट एक्चुअली चेंजिंग द वाई वेरिएबल, योर वाई वेरिएबल इज स्टिल एन इंटीजर, सो इफ यू हैव टू चेंज इट यू विल हैव टू पास दिस कमांड ना, and then when you run it your y will change. This seems very silly obviously, but kya hota hai na, jab hum codes likhte hain tab aap confused ho jate ho, aap isko run karte ho aap bolte ho are mera y kyu nahi change ho raha, jab hum kar rahe hote hain, padh rahe hote hain apna, to us samay aapko fir dekhna padta hai ki kya aap actual mein change kar rahe ho, kya aap usko assign kar rahe ho, theek hai, yahan tak ho gaya. Now next we can do complex numbers. तो जैसे हमने किया था, सो सी, हम अगर सिंपली एक, मैंने अभी तक क्या किया, मैंने सिंपली एक एक लेटर में सब कुछ असाइन करा है, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो असाइन इट इन अ वर्ड. लेट्स सपोज मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स इज अ वर्ड, इसमें मैंने असाइन करा एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4+6i, ठीक है, एंड व्हेन आई रन दिस तो कॉम्प्लेक्स इज नाउ माई वेरिएबल. इट डज नॉट मैटर कि आपका जो वेरिएबल का नेम है हैज टू बी अ सिंगल लेटर, इट कैन बी अ प्रॉपर वर्ड एज वेल. एंड उसमें हमने क्या डाला, अब अगर हम इसका क्लास चेक करेंगे, टाइप ऑफ चेक करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ, ठीक है, क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स. ठीक है, डन. सिमिलरली वी हैव लॉजिकल वेरिएबल्स, वी हैव लॉजिकल वेरिएबल्स, तो लॉजिकल वेरिएबल्स कैसे डालते हैं, देखो, लेट्स सपोज मैंने L1 में डाला. अच्छा एक चीज और, यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद अ नंबर. सो लेट्स सपोज हम 1L करके, या फिर 1 कुछ भी मैंने ऐसे रैंडमली लिखा है, एंड इसमें अगर हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आई स्टोर अ नंबर, तो ये आपका रन नहीं करेगा. So you cannot start a variable name with a number. This is a general convention that we follow in all the programming languages. कोई भी variable का name, we usually don't start it with a number. ठीक है? We usually don't start it with a number or a space or a colon, anything. Usually. तो ये obviously नहीं आपका consider होगा. So let's suppose हमने x1 में डाला. कैपिटल्स में मैंने लिखा ट्रू. वाई कैपिटल्स, क्योंकि आर में कैपिटल ट्रू कैपिटल फॉल्स इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड एज लॉजिकल. तो जब हम, याद है जब हम ऊपर में ये कर रहे थे ग्रेटर दैन लेस दैन, तो हमारा आंसर कैसा आ रहा था, कैपिटल्स में फॉल्स कैपिटल्स में ट्रू आ रहा था. सो व्हेन यू आर राइटिंग कैपिटल्स में ट्रू कैपिटल्स में फॉल्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी लॉजिकल. नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज हम यहाँ पे ट्रू लिखते हैं, ट्रू इज अ वर्ड कैपिटल्स में लिखा, तो कलर देखो कैसा आ रहा है इसका, कलर कैसा आ रहा है इसका, इज इट सेम एज x1, इज इट सेम एज यहाँ पे जो हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स और ये सब, नो. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट टेकन एज अ वर्ड और अ स्ट्रिंग. ट्रू फॉल्स या फिर फॉर दैट मैटर NA इज ऑल्सो टेकन एज लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है, जैसे जब नंबर्स लिखते हो तब ब्लू आता है, नंबर्स लिख रहे हैं तब ब्लू आ रहा है ना, 4 लिखा 6 लिखा ये सब जब लिखा तब ब्लू आ रहा है. तो यहाँ पे क्यों ब्लू आ रहा है, बिकॉज दीज आर नॉट टेकन एज वर्ड्स और स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स, दीज आर टेकन एज लॉजिकल वर्ड्स. अंडरस्टूड? दीज आर टेकन एज लॉजिकल वैल्यूज. ट्रू
by default takes a value of 1, false by default takes a value of 0, encoding, ठीक है, ठीक है, हम लोग देखेंगे क्यों होता है ये चीज. तो इसीलिए अगर आप ट्रू में कुछ असाइन करते हो वो आपको नहीं करना चाहिए, ऑल्दो असाइन हो जाएगा बट आइडियली ट्रू फॉल्स इसमें हमें असाइन नहीं करना चाहिए बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज व्हाट डू यू कॉल इट, यू कंसिडर इट एज डिफॉल्ट वर्ड्स विच आर टेकन इन आर एज लॉजिकल वर्ड्स, लॉजिकल वैल्यूज, जिसमें हम कुछ अपना खुद का वैल्यू हमें आइडियली नहीं डालना चाहिए. ठीक है, ठीक है. सो अगर मैं इसको रन करूं x1 को, तो देखो इधर x1 आ गया, दिख रहा है ट्रू. एंड अगर इसका हम टाइप ऑफ चेक करें फिर से, टाइप ऑफ x1, तो आंसर में हमें लॉजिकल मिलेगा. सिमिलरली अगर आप na डालोगे या फॉल्स डालोगे कैपिटल्स में तो आपको लॉजिकल मिलेगा. ठीक है, इसको यूजुअली हम बोलते हैं रिजर्व्ड स्ट्रिंग्स. क्या क्या हो गया रिजर्व स्ट्रिंग्स, ट्रू फॉल्स एंड any. तो यूजुअली ट्राई करना कि इनमें आप कभी भी कुछ भी अपना कोई भी वेरिएबल्स एज अ वेरिएबल इसको नहीं कंसिडर करो, मतलब कुछ भी आप इसमें अपना सेव नहीं करो. अंडरस्टूड. एंड आई डोंट थिंक वो लेगा अभी, लेट्स ट्राई, आई डोंट थिंक वो एरर देगा आपको. ट्रू लिख के अगर आप इसमें कुछ स्टोर करोगे ना तो इट विल गिव यू लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट इज नॉट, हाँ वो लेगा भी नहीं, बट कैपिटल टी ले लेगा, कैपिटल टी आपका ले लेगा. ऑल्दो कैपिटल टी भी देखो ब्लू में आ रहा है, ये हम आगे सीखेंगे जब हम फंक्शंस करेंगे कि बहुत जगह ना फंक्शन के अंदर हमें यूज करना होता है ट्रू फॉल्स, तो हम कैपिटल टी या हम कैपिटल एफ दोनों टाइप कर सकते हैं फॉर फॉल्स शॉर्टकट. बट यहाँ पे दिस विल टेक, लाइक कैपिटल टी के अंदर अगर आप कुछ स्टोर करोगे वो ले लेगा. दिस इज नॉट अ रिजर्व्ड स्ट्रिंग, दिस इज नॉट अ रिजर्व्ड वर्ड, बट स्टिल वी विल नॉट ट्राई टू राइट एनीथिंग इन कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ बिकॉज दीज आर ट्रू फॉल्स, मतलब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. सो वी नॉट ट्राई टू डू दैट. अब मैंने अगर कर दिया तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड आर एम रिमूव. तो इसमें यू कैन पुट इन जितने भी आपको वेरिएबल्स हटाने हैं कॉमा दे देके. तो मुझे टी हटाना है तो मैं टी लिखूंगी, कैपिटल टी, हिट एंटर, देखो टी गायब हो गया. अगर आपको दो एक से ज्यादा हटाने होते तो आर एम टी कॉमा वी, देखो ओ टी तो नॉट फाउंड हो जाएगा ना, तो वी तो आपका हट गया. अब x कॉमा एक्स वन करते, ठीक है, दोनों हट जाएगा. बट क्या ऐसे हमेशा हटाना फीजिबल है? अगर आपके पास 100 से ज्यादा वेरिएबल्स है तो आप कैसे हटाओगे? नहीं, यहाँ पे एक झाड़ू है, देयर इज अ ब्रूमस्टिक, यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दैट ब्रूमस्टिक एंड क्लिक ऑन यस, सो इट विल रिमूव ऑल द, एक ब्रूमस्टिक यहाँ पे भी है, एक ब्रूमस्टिक देखो यहाँ पे कंसोल पे भी है, योर, सो इफ यू क्लिक ऑन दिस ब्रूमस्टिक योर कंसोल विल बी क्लियर. और यू कुड हैव यूज्ड द शॉर्टकट कंट्रोल एल, कंट्रोल एल टू क्लियर योर कंसोल. ठीक है, एक यहाँ पे भी प्लॉट एरिया में भी एक झाड़ू है, बट अभी यहाँ पे क्योंकि देर इज नो प्लॉट सो दिस इज नॉट एक्टिव, बट इफ देर इज अ प्लॉट यू कैन जस्ट क्लियर इट फ्रॉम हियर. ठीक है, डन. अनदर वेरिएबल इज अ कैरेक्टर वेरिएबल. तो लेट्स सपोज मुझे नेम में डालना है, मेरा नाम क्या है, कुंदन. ठीक है, वो चिढ़ गया कि मैम ने इसका नाम क्यों पूछा, मेरा क्यों नहीं पूछा, इसने लुक दिया उसको एकदम, मां नेक्स्ट में पूछेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इसका टाइप ऑफ चेक करो, कुंदन का टाइप चेक करते हैं, कैरेक्टर है. ठीक है,
डन, समझ में आ रहे कैसे करते हैं हम? अच्छा एक चीज, क्लास भी चेक करोगे तो भी कैरेक्टर आएगा। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे हम कर रहे थे ना एज डॉट इंटीजर कर रहे थे, है ना? तो एज डॉट इंटीजर नेम करके देखते हैं, इज इट पॉसिबल? कैन यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग अ कैरेक्टर इनटू इंटीजर और न्यूमेरिक? इज इट पॉसिबल? कुंदन को क्या किस में कन्वर्ट करें? 1, 2, 3 किस पे कन्वर्ट करें? नहीं समझ में आएगा हमें, अंडरस्टूड? तो इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने बोला था ना एज डॉट इंटीजर के अंदर कुछ भी डालोगे तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी डालने से नहीं कन्वर्ट होगा। कैरेक्टर कैन नेवर बी कन्वर्टेड इंटू एन इंटीजर और नंबर, विच इज वेरी ऑब्वियस, है ना? बट यहाँ पे कैच है। क्या कैच है देखो, लेट्स से सपोज हमने ए में डाल रखा है 6, ए में 6 डाल रखा है। अच्छा एक चीज देखना, नेम में यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टर है कैसे आ रही है, कोट्स में आ रहा है। कोट्स में आने का मतलब ही एक कैरेक्टर वेरिएबल है। अच्छा ए को मैंने 6 में डाला है तो इसमें हम लगाते हैं एज डॉट कैरेक्टर, एज डॉट कैरेक्टर भी होता है तो उसमें हम डालते हैं ए को, रन करते हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है बताओ? आउटपुट 6 आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? कोट्स में 6 आ रहा है। आउटपुट वी आर गेटिंग इन कोट्स 6, क्योंकि अभी क्या हो गया, 6 एक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गए। सो व्हाट डू वी कंक्लूड? यू कैन नॉट कन्वर्ट अ कैरेक्टर इनटू अ नंबर, बट यू कैन कन्वर्ट अ नंबर इनटू अ कैरेक्टर। क्या यहाँ पे कन्वर्ट हुआ? क्यों नहीं हुआ इधर कन्वर्ट? बोलो कि यहाँ पे भी होना चाहिए था A6 में कन्वर्ट, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने असाइन नहीं करा ना, हमने असाइन नहीं करा। अगर हम असाइन कर दें ऐसे करके और फिर रन करें तो अब देखो, क्योंकि हमने असाइन नहीं करा, अब हम लोग 6 एज अ वेरिएबल, नहीं गलत बोले कैरेक्टर, अभी 6 एक कैरेक्टर है, ये नंबर नहीं है। मतलब अगर आप ऐसा कुछ करना चाहो, देखो एक बार ध्यान देना, x में हमने डाल रखा है 3, तो जैसे हम अभी तक क्या करते थे, 5 + 3, 6 + 3 लिख रहे थे, तो सिमिलरली हम x + 7 करेंगे। क्या आएगा आंसर? x + 7 क्या होगा? बिकॉज x इज नॉट अ कैरेक्टर, इट्स अ वेरिएबल विच कंटेन्स वैल्यू 3, सो यू शुड गेट अ आंसर एज 10। बट कैन वी डू a + 7? क्या हम कैन वी डू a + 7? बिकॉज ए इज वॉट? इट्स नॉट अ नंबर, इट्स अ कैरेक्टर, इट्स इन कोट्स। ऑल्दो नंबर को आपने कोट्स में डाल रखा है, बट इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ नंबर, इट्स अ कैरेक्टर। यस, स्पेसेस कैन बी इंक्लूडेड इन कैरेक्टर, यस। ठीक है बोलो। सिमिलरली हमने देखा था ट्रू फॉल्स, ये सारे थे एज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है? लॉजिकल वैल्यूज हमने टाइप ऑफ करके देखा था, तो आंसर में क्या आ रहा था? लॉजिकल आ रहा था ना। तो आप अगर सपोज ले लो बाय, इसमें आप कैपिटल्स में ट्रू लिख दो, ठीक है? मैंने कैपिटल्स में कोट्स में ट्रू लिखा है, एंड इसका अगर हम टाइप ऑफ चेक करें अभी, तो क्या आना चाहिए? लॉजिकल आएगा कि कैरेक्टर आएगा? कैरेक्टर आएगा बिकॉज हमने कोट्स में डाला है, एनीथिंग इन कोट्स बिकम्स अ कैरेक्टर। सो व्हाट डू वी कंक्लूड ओवर हियर? वी कंक्लूड दैट ऑल नंबर लॉजिकल कॉम्प्लेक्स एनीथिंग कैन बी स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर, बट नॉट ऑल कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड एज
number, logical, whatever. So vice versa is not true. So vice versa is not, मतलब आप कैरेक्टर को नंबर लॉजिकल कॉम्प्लेक्स में नहीं कर सकते हो. एक हाँ अच्छा एक चीज और, एक चीज और, सपोज हम लिख रहे हैं एज डॉट इंटीजर या फिर एज डॉट इंटीजर की जगह नंबर कर दो, एज डॉट नंबर न्यूमेरिक. लेट्स सपोज वी राइट ट्रू. ट्रू क्या था? लॉजिकल. बट क्या लॉजिकल को नंबर में चेंज कर सकते हैं? यस, इट इज टेकन एज वन. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज ट्रू इज टेकन एज नंबर वन एंड फॉल्स इज टेकन एज, जस्ट फाइव मोर मिनट्स वी विल फिनिश द क्लास, एंड फॉल्स इज टेकन एज जीरो. ट्रू इज टेकन एज वन एंड फॉल्स इज टेकन एज जीरो. ठीक है, अंडरस्टूड? सो लॉजिकल को वी कैन कन्वर्ट इन नंबर्स, वी कैन कन्वर्ट लॉजिकल इन नंबर्स. एनए का कोई मीनिंग नहीं है ना, बिकॉज एनए इज फॉर नल, मतलब नो, नॉट एप्लीकेबल, नथिंग इज देयर. सो अगर आप इसको करोगे तो आपको एनए ही मिलेगा. इट्स नॉट, मतलब कोई मीनिंग नहीं है. एनए इज नथिंग, कुछ भी नहीं, तो उसका एनए ही आता है. क्या उल्टा कर सकते हो? एज डॉट लॉजिकल करेंगे वन डाल के, तो क्या वो कर सकते हैं हम? यस, कर सकते हैं. याद है बचपन में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर इज बाइनरी लैंग्वेज 010110, ऐसा पढ़ा होगा अगर कंप्यूटर्स में थ्योरी में पढ़ते थे. सो दिस इज व्हाट इज बाइनरी. अच्छा एक चीज बताना, एज डॉट लॉजिकल हम कर रहे हैं इसको, ये भी हो गया देखो. सो थिंग्स विच ऑल्दो दिस इज टेकन एज अ टेक्स्ट एज अ कैरेक्टर, सिंस यू सी दैट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कोट्स हटा के, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ लॉजिकल, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लॉजिकल. सिमिलरली अगर हम इसको करें एज डॉट न्यूमेरिक ए, ए में क्या है? सिक्स है, कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर नंबर में नहीं चेंज होगा. जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो बेसिकली व्हाट दे डू इज दे रिमूव द कोट एंड दे सी कि क्या हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं. ठीक है, तो जब वो कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम वो ऑब्वियसली कन्वर्ट करेंगे. तो बोलने का ये मतलब है कि ऑल द लॉजिकल, ऑल द नंबर्स, ऑल द कॉम्प्लेक्स कैन बी एनी एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर. क्योंकि क्या करना है? खाली कोट्स डालने हैं, खाली कोड्स डालने. बट नॉट ऑल कैरेक्टर्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू नंबर, कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल. ओनली सम ऑफ देम कैन बी कन्वर्टेड. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ठीक है. हाँ बोलो खुशी. मैम इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड दैट व्हेनेवर वी कन्वर्ट अ न्यूमेरिक वेरिएबल इनटू अ लॉजिकल वी गेट ट्रू? हाँ, क्योंकि इट्स ग्रेटर देन वन. मतलब आप अगर एज डॉट लॉजिकल थ्री करोगे तो आपको ट्रू मिलेगा, ये बोल रहे हो ना? यस मैम. हाँ बट वो कोई सेंस नहीं बनता उसका, हम वो करते नहीं है. एनी नंबर विच इज नॉट जीरो इज ट्रू. अब हम लोग कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है क्लास का, बस चेक द वेरिएबल्स, चेक कौन सा वेरिएबल है. तो चेक कैसे करते हैं? इज, सपोज हम लिख रहे हैं इज डॉट न्यूमेरिक, इज डॉट न्यूमेरिक
एंड हम इसके अंदर डाल रहे हैं एक्स, तो क्या आएगा ट्रू, थ्री तो न्यूमेरिक है. इज डॉट कॉम्प्लेक्स में एक्स डालो तो फॉल्स आएगा. सिमिलरली इज डॉट कैरेक्टर में वाई को डालो तो क्या आना चाहिए वाई ट्रू, ठीक है ट्रू. सिमिलरली आप कर सकते हो इज डॉट लॉजिकल भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल. एक होता है आपका जो हम कभी कभी यूज करते हैं इज फॉल्स या फिर इज ट्रू. तो सपोज इज फॉल्स में आपने लिखा 6 greater than 9, सो 6 greater than 9 क्या है, सो इज इट फॉल्स, यस, तो आपका आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा. इज ट्रू ये क्या है अंदर स्टेटमेंट क्या है फॉल्स की ट्रू. इज ट्रू फॉल्स मतलब क्या जो अंदर में जो है क्या वो ट्रू है, नहीं तो आउटपुट क्या आना चाहिए फॉल्स, ठीक है. बेसिक फंक्शंस करते हैं. बेसिक फंक्शंस करते हैं कुछ. लेट्स सपोज x में हमने 3 डाल रखा है, y में डाल दो 4, z में डाल दो 8, ठीक है. वी हैव x y z कुछ फंक्शंस जो हम ऑन अ वेरी बेसिक कैजुअल बेसिस यूज करते हैं. लेट्स सपोज सबसे पहला सम फंक्शन. तो सम फंक्शन में यू जस्ट हैव टू गिव कि कितने वैल्यूज को नंबर्स को आपको सम करना है. तो हम x y z आप नंबर्स भी लिख सकते थे 3, 4, 8 आप वो भी लिख सकते हो, आप वेरिएबल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा. ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. तो दो वेरिएबल लिखा एक नंबर लिखा, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, एनीथिंग वी कैन डू. अंडरस्टूड, ठीक है. सिमिलरली वी हैव अ मैक्स फंक्शन. तो मैक्स फंक्शन में क्या आएगा आंसर 8 आएगा, जेड नहीं आएगा 8 आएगा. कभी भी वेरिएबल के फॉर्म में आंसर नहीं आता, जो वेरिएबल का आउटपुट है उसके फॉर्म में आंसर आता है, ठीक है. मैक्स होगा तो मिन भी होगा, ठीक है. जो आप लोग थोड़ा ज्यादा यूज करोगे आर में लॉग फंक्शन. तो लॉग में अगर हम लॉग 5 लिखते हैं, तो जब देखो लॉग 5 लिख रहे हैं ना, तो आंसर जो भी आ रहा है यहाँ पे देखना, लॉग जब हम लिख रहे हैं लॉग 5, तो यहाँ देखो क्या है एक्स, एक्स इज द वैल्यू किसका आपको लॉग निकालना है, लॉग 3, लॉग 5, लॉग 10 जो भी. एंड यहाँ पे क्या है बेस, क्या होता है लॉग बेस एंड देन यू हैव लॉग बेस ई, लॉग बेस एक्स वॉट एवर. तो वो जो बेस होते हैं यूजली हम ई लेते हैं या फिर 10 लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे बेस इज एक्सपोनेंशियल 1, ई एक्स पी इज बेसिकली ई, ई एक्स पी इज बेसिकली ई फंक्शन जो होता है ई एक्स पी, ठीक है. तो ई एक्स पी इज, ई एक्स पी 1 का मतलब है ई टू द पावर 1, ई टू द पावर 1 मतलब ई, ठीक है. सो ये जो ये हम लोग लॉग एक्स बेस ई को हम लोग नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो, ठीक है. और एक्चुअलीज में हम इसको ln लिखते हैं. तो आप लोग जब पढ़ोगे आगे थ्योरी पेपर, जिनका CS1 फर्स्ट पेपर है, एंड जब आप लोग थ्योरी में जाओगे तो ln लिखते हैं, लॉग पूरा नहीं लिखते. ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉगरिथम बेस ई. तो अगर हम यहाँ पे सपोज लेट्स सपोज 5 लिखते हैं, तो जो भी आंसर आ रहा है दिस इज बेसिकली बेस ई के साथ आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो अगर आप लोग को मन है बेस ई, ठीक है, या फिर नेचुरल लॉगरिथम या फिर ln जो आप लोग बाद में पढ़ोगे, ठीक है. सिमिलरली लॉग 5 अगर मुझे बेस चेंज करना है,
तो देखो एक फंक्शन के अंदर यू हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, एक्स इज अ आर्ग्यूमेंट, ये जो है बेस इक्वल टू, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे बेस चेंज करने, लेट्स सपोज मैं बेस इक्वल टू 10 दे दू, तो अब ये क्या बन गया, लॉग ऑफ 5 बेस 10, लॉग 10 कॉमा बेस इक्वल टू 10, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1, लॉग 10 बेस 10, ठीक है। नहीं वैसे भी लिख सकते, लिख सकते हैं लॉग 10 कॉमा, इंस्टेड ऑफ गिविंग बेस इक्वल टू वी कैन जस्ट राइट 10, ये मैं बाद में करवाती हूँ एक्चुअली। दिस इज बेसिकली अगर आप मतलब क्या कर रहे हो, आप वेरिएबल का जो जो आर्ग्यूमेंट का नाम है वो आप पूरा नहीं लिख रहे हो, आप खाली उसका वैल्यू लिख दे रहे हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और फंक्शंस होते हैं जैसे मीन हो गया, मीन में ना आंसर गलत आ रहा है, देख रहे हो क्यों आ रहा है, ये मैं नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी। या हेल्प टैब, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स अब आ गए लाइन पे, मीन, तो यहाँ मीन जब आप देखोगे ना हेल्प टैब में, तो देखना यहाँ पे एक्स लिखा है, फिर कॉमा देके देखो ये सारे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे ट्रिम, एनए, ये हम लोग बाद में सीखेंगे, बट जब आप सम, तो बेसिकली दे वांट कि आपका जो पहला कॉमा के जो पहले वैल्यू होगा, एक्स वाई में क्या था, 3 और 4, 3 और 4 का मीन क्या होता है, 3.5, बट आंसर आ रहा है 3, विच इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि इट्स ओनली गिविंग यू मीन ऑफ 3, अगर हम यहाँ पे 7 कर दे, इट्स गिविंग यू 7, why, बिकॉज कॉमा के पहले जो भी वैल्यूज होंगे खाली उसका मीन देगा आपको, बिकॉज उसके बाद का जो है वो दूसरे आर्ग्यूमेंट्स के लिए। बट सम फंक्शन में तो ऐसा नहीं हो रहा था, सम में तो हमें इसका पूरे का सम मिला, क्यों, क्योंकि सम फंक्शन सर्च करो, इधर हेल्प टैब में सम फंक्शन सर्च करो, देखो सम में क्या है, देख रहे हो ये डॉट 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 है, ये डॉट 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 इज नथिंग बट ऑल दीज डिफरेंट वैल्यूज यू कैन राइट सेपरेटेड यूजिंग अ कॉमा, सेपरेटेड यूजिंग अ कॉमा, ठीक है, डन, दैट इज इट। तो ये रॉन्ग आंसर आएगा, इसको हटा दो, वी अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट क्लास। सिमिलरली वी हैव स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट ऑफ, लेट्स सपोज 2 चाहिए आपको, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 2 आप निकाल सकते हो। वी हैव अ फंक्शन राउंड फंक्शन, लेट्स सपोज यहाँ पे सर्च करो राउंड फंक्शन, तो राउंड फंक्शन में देखो क्या होता है, राउंड फंक्शन यू गिव अ नंबर, एक्स इज बेसिकली अ नंबर, एंड कितने डिजिट्स तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो लेट्स सपोज मैं लिख रही हूँ 23.45 समथिंग लाइक दैट, एंड कितने डिजिट्स तक मुझे राउंड ऑफ करना है, सो लेट्स सपोज मुझे 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो क्या हो जाएगा 23.6, राउंडिंग तो वैसे ही होता है ना, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे डिजिट इक्वल टू 1 या फिर सिर्फ 1 कॉमा देके। सिमिलर टू राउंड वी ऑल्सो सी यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है लाइक सीलिंग, फ्लोर, ट्रंक, ठीक है। वी हैव, वंश क्या हो गया तुमको, अच्छा नहीं लग रहा है क्या क्लास, वी हैव सीलिंग, सीलिंग में क्या होता है, इट टेक्स यू टू द अपर इंटीजर, सो 24 सीलिंग मैंने, इट विल जस्ट रिमूव ऑल द decimals and take you to the upper integer, and similarly floor is opposite, it will take you to the lower, so 23.78 likha to it will take you to 23. Trunk basically means it will remove all the decimals, just simply remove all the decimals, just trunk and floor are similar. आप लोग ना थ्योरी में पढ़ते हो ना, ऐसे कुछ 4 factorial याद है, 4 factorial, हाँ, पर यहाँ पे ये नहीं वर्क करता, एक्सक्लेमेशन मार्क बेसिकली स्टैंड्स फॉर
नॉट, रिमेम्बर. तो यहाँ पे फंक्शन हम यूज करते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री. क्या होता था फैक्टोरियल? थ्री फैक्टोरियल का क्या मतलब है? टू इंटू थ्री, वन इंटू टू इंटू थ्री, थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है. फाइव फैक्टोरियल क्या होता है? फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, नहीं वन, नहीं वन से नहीं स्टार्ट करना है, फाइव से स्टार्ट करना है. फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है. ये क्या लॉजिक है इसका? पीछे की तरफ जाते हैं, आगे नहीं जाते, समझा? जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल वन, वेरी गुड, ठीक है. सिमिलरली लास्ट थिंग फॉर टुडे, याद है वो कहते थे 3c2, 6c2, सो सिमिलरली वी हैव फॉर दैट चूज फंक्शन. सो चूज 3, 2 का मतलब है 3c2, 3c2 गिव्स यू 3. 3c2 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल. गलत बोला क्या मैंने? 3 माइनस 2 क्या होता है भाई? मतलब इसको बोलना है कि हम गलत हैं. तो मैंने जब 1 फैक्टोरियल बोलता है, नहीं 3 माइनस 2, ओके. चलो सो लेट्स डू इट टिल हियर फॉर टुडे. बहुत सारे फंक्शंस, बहुत कुछ सीखा है. हाँ एक चीज प्लीज, क्लास को छोड़ना मत, इसको सेव करना सीख लेते हैं, जो भी हमने स्क्रिप्ट बनाया है फॉर नेक्स्ट क्लास. कैसे सेव करना है? यहाँ पे देखो एक सेव का बटन है, या फिर कंट्रोल एस भी यूज कर सकते हो. क्लिक ऑन दिस सेव. आपका कहाँ आपको सेव करना है? लेट्स सपोज मुझे सी ड्राइव में सेव करना है, ठीक है. तो मेक अ फोल्डर, CS1 आर प्रोग्रामिंग का एक अलग से फोल्डर बना लो उसमें, एंड यहाँ पे लिख लो क्लास वन. यहाँ पे ऐसे लिखना, देखो क्लास वन डॉट आर, डॉट कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर आर स्क्रिप्ट के जैसे सेव होगा. जैसे डॉट XLSX इज एक्सेल, डॉट DOC इज डॉक्यूमेंट वर्ड, ठीक है, डॉट PDF ऐसे डॉट कैपिटल आर, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव. So when I click on save, don't have permission, why? Text op pe karte hain, theek hai. Save kiya, save kar diya maine desktop mein. Ab main jab desktop pe jaungi yahan se, to dekho mera yahan pe class 1 hai, dikh raha hai. So just click on this class 1, ye apne aap, matlab abhi to khula hua tha, but wo idhar khul jayega, theek hai. Understood? Done? नहीं, नहीं समझा? अब तुम इसी में कुछ भी सेव करेगा, लेट्स सपोज तुम अब इसमें कुछ भी ऐसे से कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे देखो एक स्टार साइन आ गया, मतलब अभी ये सेव करना बचा है. तो इस पे तुम जब क्लिक करेगा तो वो सेव हो गया. अब तुम इसको दोबारा वो नहीं कर सकता, नाम इसका चेंज. हाँ वैसे तुम कर सकते हो वहां से फाइल पे जाके, बट वो इसमें सेव हो गया, ठीक है. चलो विल यू शेयर स्क्रिप्ट? ओके आई विल शेयर इट. सेव हो गया, आई विल शेयर इट. थैंक यू सो मच. कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? हाँ खुशी. मैम मैंने ऐसे एक वेरिएबल में आई स्टोर्ड एज डॉट न्यूमेरिक ऑफ एन ए, तो उसमें एन ए अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर सेव हो गया इन दैट वेरिएबल. मत करो वो सब काम, डज नॉट मेक एनी सेंस. ओके चलो ओके.